ऑपरेशन जागृति अभियान के तहत पुलिस महानिरीक्षक आगरा रेंज आगरा, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद, मुख्य विकास अधिकारी फिरोजाबाद, अपर पुलिस अधीक्षक नगर व ग्रामीण द्वारा थाना टूंडला स्थित बैनीवाल गार्डन में विभिन्न ग्रामों के प्रधान, पूर्व प्रधान, कोटेदार, संभ्रांत व्यक्तियों, महिलाओं, बालिकाओं और छात्र छात्राओं के साथ गोष्ठी का आयोजन कर ऑपरेशन अभियान के मुख्य उद्देश्यों के बारे में जागरूक किया गया। महिलाओं बालिकाओं की सुरक्षा, सशक्तिकरण, संवाद, परामर्श व विभिन्न प्रकार के अपराधों के बारे में जागरूकता पैदा करने हेतु अपर पुलिस महानिदेशक आगरा जोन आगरा द्वारा यूनिसेफ के पदाधिकारियों के माध्यम से जोन स्तर पर दिनांक 1 नवंबर को ऑपरेशन जागृति अभियान की शुरुआत की गई थी, जो कि आगरा जोन के समस्त जनपदों में ग्रामीणों में जाकर महिलाओं बालिकाओं को उनके साथ संवाद स्थापित कर महिलाओं बालिकाओं की सुरक्षा के संबंध में विभिन्न जानकारियां देकर जागरूक किया जाएगा। ऑपरेशन जागृति अभियान के मुख्य उद्देश्य हैं हिंसा से पीड़ित महिलाओं बालिकाओं को काउंसलिंग और रेफरल सुविधा उपलब्ध कराना, युवा बालिकाओं को साइबर हिंसा यौन शोषण से बचाव हेतु जागरूक और सचेत करना, पॉक्सो एक्ट अधिनियम के महत्वपूर्ण प्रावधानों के प्रति जागरूक और सचेत करना, किशोरियों के साथ हेल्दी रिलेशनशिप व जीवन शैली पर अभिभावकों को जागरूक करना, महिलाओं बालिकाओं को अपने अधिकारों और सुरक्षा के बारे में समझ और जागरूकता पैदा करना, समुदाय को झूठे मुकदमों में होने वाली क्षति के बारे में जागरूक करना और ऐसे मामलों में कमी लाना, विशेषकर महिलाओं की सुरक्षा हेतु बनाए गए कानूनों का दुरुपयोग के प्रति लोगों को सचेत करना। सहानुभूति की जरूरत है। आप सभी लोग गांव में हैं, इलेक्शन आप लोग लड़ते हैं, हमारे परिवार में भी लोग इलेक्शन लड़ते हैं, मेरे एक मामा हैं, वो खुद भी प्रधानी का इलेक्शन लड़े हैं और मैं ये मानता हूँ प्रधानी का इलेक्शन सबसे टफ इलेक्शन है। और इन सब इलेक्शन में देखा हो जाता है कि क्योंकि चुनाव का मौसम है उसमें कई बार वाद विवाद हो जाता है और कई बार उसमें ड्यूटी एफआईआर भी हो जाती है, उनसे बचे क्योंकि वो चलिए यहाँ ये आपका आज इस धरा पे आप लोग हैं पर आपको फैमिली के ऊपर जाना है, सबको ऊपर जाना है और अपना अपना हिसाब किताब ऊपर जाके देना भी है। तो मुझे लगता है कि अपने कर्म ये ऑपरेशन जो शक्ति है जो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए चलाया जा रहा है इसी के तहत यह एक अभियान है ऑपरेशन जागृति का, जिसमें कि मिशन शक्ति के अनुरूप जो हमारी जो महिलाएं हैं, जो हमारी लड़कियां हैं, जो बेटियां हैं, खासकर जो 11 साल से 21 साल 22 साल की जो स्कूल गोइंग कॉलेज गोइंग जो लड़कियां हैं उनको मोटिवेट करने के लिए मिशन चलाया गया है। हम लोग देखते हैं कि गांव में बहुत बार साइबर बुलिंग की घटना होती है यूट्यूब पर और इन सब चीजों पर, या कोई लड़का फोटो खींचकर लड़कियों को ब्लैकमेल करता है अथवा बहुत बार गांव में लड़कियों का मिसयूज करके गलत तरीके से एफआईआर दर्ज हो जाती है, जो आप लोग देखते हैं कि गांव में पार्टीबाजी के कारण भी चीजें हो जाती हैं। लड़कियों को जो उनके अधिकार क्षेत्र है उसके बारे में जानकारी देने के लिए, और जो लड़के हैं और उनके पेरेंट्स हैं, बहुत बार गांव में जो एलोपमेंट की घटना होती है लड़का और लड़की अपने स्तर से अपने जानकारी में दोनों घर से चले जाते हैं, उसमें एलोपमेंट की घटना में एफआईआर लिखाते हैं, उसमें लोग इस चीज को लेकर के डिफरेंट एक लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति आती है। तो इस मामले में लोगों को पूरे सोसाइटी को कैसे हम लोग जागरूक करें उसके लिए यह प्रोग्राम है, जिसमें कि पुलिस विभाग और जो सीडीओ है उनके अंतर्गत जो विभाग है उनके साथ जो डिपार्टमेंट है उसका सहयोग इसमें लिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त जो यूएन की एजेंसी है यूनिसेफ वो हमारा इसमें पार्टनर है, 11 से ज्यादा एनजीओ हमारे साथ है, इसके अलावा जो डॉक्टर काउंसलर और मनोवैज्ञानिक हैं, तो इन जितने भी स्टेक होल्डर हैं इन सबको हम लोग साथ लेकर के प्रत्येक पंचायत जो हमारे जोन की है उस प्रत्येक पंचायत में जाएंगे और ऐसी मीटिंग करेंगे महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ, उनके पेरेंट्स के साथ और उनको इस अभियान के बारे में बताएंगे। और हमें पूरा विश्वास है कि इस अभियान की जो सफलता होगी जब हम लोग 2-3 महीने बाद इस चीज का को हम देखेंगे, हमें पूरा विश्वास है कि जो इस तरह की साइबर बुलिंग है और जो एलोपमेंट के लिए या परिवार में जमीन के विवाद, मेयर के विवाद में जो गलत मुकदमे लिखाए जाते हैं इसमें निश्चित रूप से इसमें कमी आएगी। देखिए मैंने इसमें आपको कहा वो कार्रवाई का वो सीआरपीसी में एक प्रावधान है, उसके तहत सीआरपीसी आईपीसी के प्रावधानों के तहत इसमें कार्रवाई पुलिस करती है,
यदि कोई झूठा मुकदमा लिखाते हैं तो उस प्रावधान में पुलिस भी एक रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को भेजती है। लेकिन जब हम ये अभियान चलाएंगे, इस कैंपेन के रूप में चलाएंगे और गांव गांव में चलाएंगे, और इसीलिए आज आपने देखा कि गांव में जो डिफरेंट लोग थे, ग्राम प्रधान, पूर्व प्रधान, सबको हम लोगों ने बुलाया था ताकि जो गांव की पार्टीबाजी के लोग इससे ऊपर उठे। और जो फर्जी मुकदमे इस तरह से लड़कियों को एक ऑब्जेक्ट बनाकर किए जाते हैं, लड़कियों में जब ये जागृति आएगी, महिलाओं में जब ये जागृति आएगी, तो अपने आप इस मामले कम हो जाएंगे।